ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी वर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिच आदमी नेरो दिखाया जाता है। उसके सामने दो लड़कियां होती है। नेरो एक लड़की से कहता है कि वह दूसरी लड़की को मारकर उसका दिल निकालकर नेरो के सामने लाए। वह लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है और वह उस दूसरी लड़की को मार के उसके दिल निकाल कर नेरो को दे देती है। इसके बाद वह उस लड़की को पैसों से भरा एक बैग देता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि उस लड़की ने यह सब पैसों के लिए किया था। नेरो अपने मोबाइल में फेमस सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स देखता है और उन्हें एक लाइव शो फन हाउस में इनवाइट करता है। नेरो का घर दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच होता है। इसके बाद हम व्यूअर्स को एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम केस्पर होता है। ये ऑलरेडी फन हाउस में ही होता है। ये यहाँ पर कैसे आया, अब हमें ये दिखाया जाता है। केस्पर टीवी पर अपने शो ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन कुछ समय से उसके शो फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए उसका डायरेक्टर फन हाउस वाली डील एक्सेप्ट कर लेता है और केस्पर से उस एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है, क्योंकि इस शो के विनर को $5 मिलियन मिलने वाले होते हैं। अगले दिन केस्पर को किडनैप करके यहाँ लाया जाता है ताकि उसे फन हाउस की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल सके। केस्पर के अलावा यहाँ 8 लोग होते हैं जिन्हें भी किडनैप कर यहाँ लाया जाता है। स्टार्टिंग में सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और कुछ ही देर में यह शो स्टार्ट हो जाता है। फन हाउस में जो भी हो रहा था, यानी कि वे लोग पब्लिक को लाइव दिखाए जाते हैं। नेरो पांडा कैप्टन बनकर इन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमराज लगाए गए हैं जहाँ वे लोग वह करेंगे जो उन्हें पसंद है और पब्लिक इन्हें देखकर वोट करेगी। जहाँ सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विनर होगा और सबसे कम वोट पाने वाले को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फन हाउस में नेरो के कुछ लोग होते हैं जो इन सब पर नजर रख रहे होते हैं ताकि ये यहाँ से भाग ना सके। यहाँ पहले सब कुछ नॉर्मल होता है और पहले 3 दिन ये सब लोग काफी इंजॉय करते हैं और पब्लिक इन्हें वोटिंग भी कर रही होती है। 4th दिन नेरो वहाँ आता है और इन्हें इनकी वोटिंग के बारे में बताता है, जहाँ सबसे कम वोटिंग पाने वालों में एक मेल और एक फीमेल होती है। यहाँ से इस मूवी में हालात खराब हो जाते हैं। इन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट दिया जाता है जिस पर कीले लगी होती है, और उसे कहा जाता है कि वहाँ पर लटके पांडा को उसे मारना है। तभी वे लोग चीटिंग करते हैं और उस पांडा की जगह उस लड़के को लटका देते हैं, क्योंकि उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और लड़के के भी हाथ और मुंह बंधे होते हैं ताकि वे कोई शोर ना मचा सके। यहाँ वे लड़की उस लड़के को काफी ब्रूटली तरीके से मार देती है और ये सब ऑडियंस और वे सेलिब्रिटीज लाइव देख रहे होते हैं। सब पार्टिसिपेंट्स ये देखकर डर जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा और वे यहाँ से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब एक बेसमेंट में हो रहा था जो जंगल के बीचों बीच होता है और ये सब लाइव एक ऐसी वेबसाइट से किया जा रहा था जिसे हैक नहीं किया जा सकता। पुलिस भी इनके पास नहीं पहुंच सकती। ये लोग यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके होते हैं। नेरो फिर से पांडा के रूप में इनके सामने आता है और इनसे कहता है कि अगर इनमें से किसी ने भागने की कोशिश की तो वह उसे भी उसी के तरह तड़पा तड़पा कर मार देगा। लेकिन इसके बावजूद एक लड़का खिड़की में से बाहर आसमान को देखकर खिड़की तोड़कर भागने की सोचता है, जिसे वह सब काफी रोकते हैं। और जब वह लड़का उस खिड़की को तोड़कर बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक छती है जिसे वह आसमान समझ बैठा था, क्योंकि उसे पहले ही वॉर्न किया होता है। इसलिए नेरो वहाँ आता है और अपने लोगों से उसे बुरी तरीके से मारने की कहता है। वे लोग उस लड़के को उसी रूम में लेकर जाते हैं और उसे एक बॉक्स में लटका देते हैं। वहाँ वे लोग सबके सामने उस पर एसिड डालते हैं जिससे उसकी बॉडी बुरी तरीके से जलने लगती है और वह मर जाता है। अब ये फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है क्योंकि सबके सामने उन लोगों को मारा जा रहा था। नेक्स्ट डे न्यूज चैनल पर केस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है, जहाँ वे लोगों से उसके हस्बैंड को वोट देने की अपील करती है। नेरो फिर से वोटिंग लेकर आता है, जहाँ सबसे कम वोटिंग 2 लड़कियों को मिलती है। उन 2 लड़कियों को भी उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ उनके हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है और रूम में अंधेरा कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो दूसरे को मार देगी वह बच जाएगी, जहाँ इनके बीच फाइट होती है और लास्ट में उला उस लड़की के सर में कुल्हाड़ी दे मारती है, जिससे वह वहीं मर जाती है और उला बच जाती है। केस्पर को अच्छा होने की वजह से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और इस बार सबसे कम वोट उला को मिलते हैं। उला को उसी रूम में ले जाया जाता है और उसे पिक्चर मैचिंग का टारगेट दिया जाता है जो वह पूरा नहीं कर पाती। उला को एक व्हील को घुमाने की कहा जाता है जिस पर उसे मारने के तरीके लिखे होते हैं। कुछ देर में वे व्हील रुक जाता है और उला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है, जो ये होता है कि उला को रस्सियों से बांधकर खींचा जाएगा जिससे उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं और उला की डेथ हो जाती है। अब फिर से वोटिंग की जाती है और इस बार भी केस्पर की वाइफ की वजह से उसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। वही सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं वह एक बॉक्सर होता है, इसलिए लोगों को 4 बॉक्सर की पिक्चर्स दिखाई जाती है और वोट करने को कहा जाता है कि किसके साथ उस लड़के का मैच करवाया जाए। पब्लिक एक बॉक्सर को चूज करती है और उनका मुकाबला करवाया जाता है, जहाँ वह लड़का बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला करता है और उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ पर भी नेरो उसके साथ चीटिंग करता है और उन
तीन बॉक्सर को एक साथ उसे लड़ने के लिए भेज देता है, जहां वे बॉक्सर उस लड़के को काफी ब्रूटली तरीके से मार देते हैं। अब केवल तीन लोग बचते हैं। अगले दिन फिर से वोटिंग करवाई जाती है, जहां केस्पर और उसकी फ्रेंड जीत जाते हैं और केट नाम की लड़की को सबसे कम वोटिंग मिलती है। केट चेस गेम की एक्सपर्ट थी, इसलिए नेरू उसके साथ चेस का एक गेम खेलता है, जिसमें केट हार जाती है और उससे भी उल्ला की तरह वे व्हील घुमाने की कहा जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और ये जीत जाती है। अब मरने की बारी उसकी आती है, जिसे केट से ज्यादा वोट मिले हो, जो केस्पर की फ्रेंड होती है, और उसे मारने के लिए केस्पर को ही उसके सामने लाया जाता है। इन दोनों के हाथ में एक गन दी जाती है और एक दूसरे को शूट करने की कहा जाता है, जो पहले शूट करेगा वह बच जाएगा, लेकिन वे दोनों खुद को ही शूट कर लेते हैं और अब गेम में सिर्फ केट बच जाती है, जो कि यह गेम जीत चुकी होती है। उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और फनाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों तक केट से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन केट कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि उसे खुद को भी कुछ पता नहीं होता। पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता, इसलिए वे केट को छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि फनाउस और यह सारा गेम नेरो का ही था, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह सबके सामने टीवी शोज पर जाता है और मजे से अपनी लाइफ जी रहा होता है। एक दिन जब नेरो अपने घर जाता है, तो वह वहां पर केट को देखता है, जो फनाउस की विनर थी। यह हम व्यूअर्स को पता चलता है कि केट नेरो की ही वाइफ थी और ये सब इन दोनों का ही प्लान था। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।